आपने लोगों से सुना होगा कि सांप चंदन के पेड़ों से लिपटे रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप चंदन के पेड़ों से ही क्यों लिपटे रहते हैं? तो इतने सांप लिपटे होने के बावजूद चंदन के पेड़ों को कैसे काटा जाता होगा? तो चलिए आज हम इसके बारे में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि चंदन की खुशबू सांपों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसी वजह से सांप उस पर रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सांपों के सूंघने की बात की जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार सांपों के सूंघने की शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन सांप अपनी नाक से नहीं बल्कि अपनी जीभ के जरिए सूंघते हैं और अपने जीभ के जरिए ही अपने आसपास के मौजूद खतरे को पहचानते हैं। इसीलिए सांप अपने जीभ को बार बार बाहर निकालते हैं। चंदन के पेड़ों का भी पता सांप अपनी जीभ से ही लगाते हैं। दुनिया में इतने सारे पेड़ होने के बावजूद भी सांप चंदन के पेड़ को ही क्यों चुनते हैं? तो जैसे इंसान का खून गर्म होता है, उसी तरह सांपों का खून ठंडा होता है और इसी के चलते सांप ठंडे जगहों पर रहना पसंद करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि चंदन के पेड़ दूसरी पेड़ों की तुलना में काफ़ी सीधा और ठंडा होता है, इसीलिए सांप चंदन के पेड़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए चंदन के पेड़ों से लिपट कर रहते हैं। लेकिन चंदन के पेड़ पर सबसे अधिक सांप उसके निचले हिस्से में रहते हैं, क्योंकि चंदन के पेड़ का निचला हिस्सा सबसे ठंडा होता है। यहाँ तक कि चंदन के फूल भी सुंदर नहीं होते, इसीलिए ज़्यादा सांप उसके निचले हिस्से में रहते हैं। और इसी वजह से जब चंदन के पेड़ों को काटा जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपरी हिस्से को काटा जाता है, उसके बाद ही पेड़ के निचले हिस्सों को सांपों से बचकर बड़ी सावधानी से काटा जाता है। और सांप चंदन के अलावा रजनीगंधा और चमेली जैसे कई पेड़ों पर रहते हैं, क्योंकि ये पेड़ भी चंदन की तरह सुंदर और ठंडे होते हैं और सांप अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ही इन पेड़ों से लिपट कर रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।